ज्यादा जानता होगा इनको, शादी से पहले मैं इतना नहीं जानती। क्या शादी से पहले उन्होंने टीवी पर आपको देखा था, और कौन से प्रोग्राम में देखा था? देखा था फरोजा में देखा था। अगर आपके शौहर बैंकर ना होते तो क्या होते? सिर्फ शुजात अली बेग होते। झगड़ा किस बात पर शुरू होता है? ऐसा कि कोई खास बात मुझे याद नहीं आ रही है। नहीं, आपने हाँ, कहा होता मतलब आप होता कायनात है, का भाई जोड़ा है, इसके घर में कभी कोई नहीं, कोई लड़ाई तो होती किस है? बात पर शुरू होता है? ज्यादातर इख्तलाफ राय कहने आप से। ओके, नाराज होते हैं तो क्या घर छोड़ के जाने की धमकी देते हैं? नहीं, वो क्यों जाएंगे घर छोड़कर जाने की धमकी देंगे? आप चले जाते और बहुत से काम कर सकते हैं ना, मसलन हंगामा हो सकता है, गुस्सा करेंगे तो कोई चीज टूट सकती है मसलन। लेकिन अब तक क्या क्या चीजें टूटी हैं? दिल टूट जाता है, आप चीज की बात कर रहे हैं। ओके, घूंघट उठा के सबसे पहला जुमला आपसे क्या कहा था? मेरा घूंघट इतना बड़ा नहीं था उस वक्त, उन्होंने उठाया। अच्छा, घर में आप ज्यादा बोलती हैं या शुजात ज्यादा बोलते हैं? शुजात 100%। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि शुजात को कोई सजा दे तो कौन सी सजा तजवीज करेंगी? खामोश रहने। गाड़ी चलाते हुए क्या खूबसूरत खवातीन को देखते हैं? देखते भी हैं और राय का इजहार भी करते हैं। जवानी का कोई ऐसा किस्सा जो महफिल में सुनाना पसंद करते हैं? बहुत सारे किस्से हैं, आप किस किस की बात करें? कोई एक किस्सा ऐसा है जो अजबर हो गया हो आपको? जी, मुझे उनके सारे किस्से अजबर हो चुके। अच्छा, ओके। आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या बैंकिंग से? नहीं जनाब, इसमें तो यकीनन मुझी से मोहब्बत करते हैं। शादी के बाद आपने शुजात को पहली डिश कौन सी पका के खिलाई? भेजा। खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करते हैं? नमक ज्यादा खाते हैं। ओके, अच्छा, खाने में अगर नमक कम हो जाए तो क्या करते हैं? डाल लेते हैं बहुत सारा नमक, मना करने के बावजूद। ओके, बर्गर, निहारी, कबाब, बिरयानी, दाल में सबसे ज्यादा शौक से क्या खाते हैं? हर वो चीज जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की मकदार सबसे ज्यादा हो, वो चीज सबसे ज्यादा शौक से खाते हैं। ये किस जगह के रहने वाले हैं? ओके, आपकी कौन सी सहेली के घर आने से खुश होते हैं? तमाम ही सहेलियों के घर आने से खुश होते हैं। आपको किस लिबास में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? शलवार कमीज, जो कि अगर व्हाइट या ऑफ व्हाइट हो तो ज्यादा। कोई ऐसी डिश जिसको पकाने में जिसको पकाने आपको मना किया हो उन्होंने, कि खुदा के लिए ये ना पकाया? ऐसा कभी ना हुआ, इसका मुझे अरमान है, कोई डिश पकाने से इनकार कर। ये काम मैं करवा दूंगा किसी दिन। बिजली चली जाती है तो पहला जुमला क्या कहते हैं? जो जहां है वहां रहे और मोमबत्ती कहां है। अच्छा, कहीं पहुंचने की जल्दी और ट्रैफिक में फंस जाए तो क्या कहते हैं? बहुत बुरा भला कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहती। अच्छा ठीक है, गहरी नींद में अगर फोन की घंटी बजे तो क्या करते हैं? बजने देते हैं। अच्छा, घंटी बजती रहती है, जाग जाएंगे? नहीं, नींद बहुत गहरी है। अच्छा, आप सर पे ढोल बजा दें वो नहीं उठेंगे। अच्छा, फर्ज करें अगर बम बम फाड़ने कान के पास, अब ये आप करेंगे? हाँ। जिंदगी का पहला तोहफा आपको क्या दिया? देखो मोइन, अगर यही सवाल उनसे पूछा उन्हें बिल्कुल याद नहीं होगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन मुझे याद है, घड़ी दी थी। ओके, कौन सा परिंदा पसंद है? परिंदा मुझे, चलिए कौन सा दरिंदा पसंद है यूं पूछ लेते हैं। अच्छा, दरिंदा। हाँ मोइन। अच्छा, मोइन मेरा मतलब है, मोइन मैं बात कर रही हूँ ना। जी जी, आप क्या समझे? नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, क्या समझे? ओके जी, ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, कौन से जानवर को देखकर उन्हें कोफ्त होती है? वो भी मोइन, समझदारी की बात करते हो। घर देर से आने पर क्या बहाना करते हैं? उन्हें बहाने की जरूरत नहीं होती। ओके, यानी आप आदि हैं। अगर आपको फिल्म में काम करने की ऑफर हो तो उनका क्या रिएक्शन होगा? तुमने पहला सवाल पूछा था ना, घर छोड़ के भाग जाने की धमकी, वो मुझसे कहेंगे तुम घर छोड़ के भाग जाओ। अच्छा, ऐसा होगा। खूबसूरत खवातीन के साथ कैसा रवैया होता है? बहुत खूबसूरत। क्या घर का बजट आपको बनाने देते हैं? घर का बजट मेरे हाथ में। तीन लफ्जों में शुजात की तारीफ कीजिए। हाँ, खुश मिजाज। खुश और मिजाज भाई, भाई शौहर आपके हैं, मुझे क्या पता? नहीं, मुझे खुश और मिजाज को एक लफ्ज कह दें। खुश और मिजाज को एक लफ्ज कह दें। खुश अलग है, मिजाज अलग है। अब खुश मिजाज एक लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, खुश मिजाज, ह्यूमरस और बेहद मिलनसार। ओके, सवाल खत्म हुए। खवातीन हज़रात, हम आपकी तालियों में बुलवा रहे हैं शुजात अली बेग को।
पहला सवाल इनसे किया था, जो भी बोलेंगे आप जोर से बोलेंगे और सच बोलेंगे, सच बोलेंगे और बगैर घबराए हुए बोलेंगे। ठीक, ओके। आप किस किस्म के आदमी हैं? बहुत अच्छे किस्म के। सुना है शादी से पहले आप बहुत लड़ाकू आदमी थे। गलत सुना है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। क्या शादी से पहले आपने इनको टीवी पर देखा था, और अगर देखा था तो कौन से प्रोग्राम में देखा था? टीवी के पहले देखा था और फिरोजा प्रोग्राम। झगड़ा किस बात पर आप लोगों का शुरू होता है? मेरे ख्याल है झगड़ा बहुत कम, झगड़ा होता नहीं है। इन्होंने तो कहा होता ही नहीं है, कभी आज तक हुआ ही नहीं झगड़ा। और बता रही थी बड़े शरीफ और नेक तबा आदमी हैं, कभी इधर उधर नहीं देखते, सीधे घर आते हैं। मोइन, मोइन, मुझे आपने नहीं बोलना है। मुझे वापस घर जाना है। नाराज नाराज होते हैं तो क्या आप घर छोड़ के जाने की धमकी देते हैं? ना। मतलब वही वाली बात है, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आ रहा हूँ? ओके, घूंघट उठा के सबसे पहला जुमला आपने इनसे क्या कहा था? भाई मैं आपकी शादी की बात कर रहा हूँ। अब मैं हर चीज को बताना नहीं चाहता ना। क्या क्या जुमला था? तारीफ की थी। घर में ये ज्यादा बोलती हैं या आप ज्यादा बोलते हैं? मैं क्या गाड़ी चलाते हुए आप खूबसूरत खवातीन को देखते हैं? बिल्कुल। एक मिनट, ये यकीनन कोई शरीफाना अमल नहीं है ये। आपकी बात नहीं हुई। हाँ, क्या तो शौके जमाल की बात है। अच्छा शौके, अच्छा ये साथ हैं आपके इस काम में। देखिए, ओके ओके। जवानी का कोई ऐसा किस्सा जो महफिल में आप सुनाना पसंद करते हैं? वैसे ये जवानी तब भी है। ये क्या बात हुई? जवानी क्या बात हुई? शुजात मान लो औलाद जवान हो चुकी है, इसमें कोई कबाहत नहीं है इसको मान लेने में। अच्छा, क्या कभी आपका कोई पुराना चक्कर इनके सामने आया? मेरा ख्याल है खामोशी बेहतर है। नहीं शुजात, बुरी बात है। अच्छा। आप एक बैंकर और बड़े आदमी हो, बड़ा आदमी खुल के बात करता है। अच्छा। हाँ, पुराना चक्कर सामने आया? मेरा ख्याल है आया। आप खुशबख्त से ज्यादा मोहब्बत करते हैं यानी अपनी बेगम से या बैंकिंग से? अपनी बेगम से। शादी के बाद इन्होंने पहली डिश आपको क्या पका के खिलाई? चिकन रोस्ट। वैसे आज एक बात पता चली कि आदमी झूठ भी इतने ही कॉन्फिडेंस से बोले, सही तरीके से बोले। ठीक है, ओके ठीक है। आपने क्या कहा था कि कुछ भी नहीं? नहीं, मैंने कहा मैंने भेजा पका के खिलाया। तो आप किसका भेजा खिलाया? 26 साल हो गए शादी को। 26। और आपको ये याद नहीं है कि पहली डिश इन्होंने क्या पका के खिलाई? मगज काम नहीं आया। एक सेकंड, आप मिनट आपसे बात। ओके, खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो आप क्या करते हैं? चुप रहता हूँ। काहे के लिए आप मेरा प्रोग्राम खराब कर रही है बीच में? मैं घर में नहीं बोल पाती, यहाँ बोलती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए जी, नमक कम खाते हैं या ज्यादा? ज्यादा। ध्यान से सुनिएगा, बर्गर, निहारी, कबाब, बिरयानी, दाल में सबसे ज्यादा शौक से क्या खाते हैं? निहारी जी। ओके, इनकी कौन सी सहेली के घर आने से आप बहुत खुश होते हैं? इनकी कई सहेलियां हैं, मैं ये नहीं चाहता कि किसी का ज्यादा कह दूं कि जी उनकी वजह से बड़ी खुश होता हूं, दूसरे से कम होता हूं, इसलिए मैं खामोश रहना बेहतर। सभी को खुश रखना चाहते हैं ना। दिस इज व्हाट आई वांट। बिजली चली जाती है तो पहला जुमला आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि जी फौरन जो है इसका सब्स्टिट्यूट करो। नहीं नहीं सी नहीं। क्या पहला, ध्यान से सुनिए, बिजली घर की चली गई, ये गुड़ चली गई, पहला जुमला मुंह से क्या निकलता है? कि एसी वालों को एक दो
प्यार मोहब्बत के जुमले पहले सबसे पहले तो ये होता है मेरे ही नहीं बल्कि काफी लोग इस तरह। अच्छा चलिए, कई एससी वालों को आपने अच्छे जुमले बोल दिए, हाँ, उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद कहता हूँ कि जी अब जरा यहाँ थोड़ी सी लाइट हो जाए तो कैंडल वाली हो जाए या अच्छा जी मोमबत्ती। ओके 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 कहीं पहुंचने की अगर आपको जल्दी हो, ट्रैफिक में फंस जाए तो क्या कहते हैं? फिर बहुत गुस्सा आता है जी, काफी फिर बहुत गुस्सा आता है, बहुत चीखते चिल्लाते हैं। गहरी नींद में अगर फोन की घंटी बजे तो आप क्या करते हैं? आंखें बंद और उसको ऑफ कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऑफ हो जाए। मतलब नींद में इतना ध्यान रहता है कि इसको बंद करना चाहिए? बंद करना चाहिए। यानी कच्ची नींद सोते हैं आप? कच्ची नींद तो नहीं, बड़ी गहरी नींद सोता हूँ, बड़ी गहरी नींद। जिंदगी का पहला तोहफा आपने क्या दिया इनको? वॉच शायद। मुबारक हो के 28 में से पहला सवाल जवाब आपने सही दिया। अच्छा, कौन से जानवर को देखकर आपको कोफ्त होती है? बस यही है, यही। क्या मैं तो वो नाम नहीं ले रहा हूँ, यही है। अच्छा, घर देर से आने पर आप क्या बहाना करते हैं? ऑफिस में देर हो गई। टेलीफोन करती हैं जहाँ आप कह के आते हैं कि मैं दफ्तर से? बस आजकल मोबाइल की वजह से आसानी है। कहाँ, मैं आपको कभी फोन करके पूछती नहीं। मैंने आप कभी नहीं पूछा आपसे, मैंने कहाँ है आप? हाँ, कभी नहीं पूछा। पूछा कभी आपसे कहाँ है आप? नहीं पूछा ना? हाँ, क्या नहीं पूछा? पूछा। आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि कोई अच्छी तरह नहीं पूछा होगा। हाँ। नहीं, अच्छा जवाब नहीं आता है। अच्छा, एक्सप्रेशन से ये क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पे अगर देर से घर आए और आप या मीटिंग लंबी हो गई। मीटिंग लंबी। कभी आपने कहा कि जिन लोगों के साथ मीटिंग हो रही है उनमें से किसी एक को फोन दो? नहीं, वो क्योंकि मैं टेक्निक बता रहा हूँ। आइंदे कहना कि मीटिंग हो रही है, कहना अच्छा कौन कौन है मीटिंग में, बोलेंगे फलाए फलाए, तो कहना इलियास भाई से बात करा लो। वो इलियास भाई बोल लेंगे उस वक्त, आपको नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब ये कोई माफूकुल फितरत है। ओके ओके, अगर अगर इनको फिल्म में काम करने की ऑफर हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मुझे पता है उनका जवाब क्या होगा, इसलिए मैं क्या जवाब होगा इनका जवाब होगा बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं बताता हूँ इनका जवाब होगा आपका दिमाग खराब हो गया। Exactly. मुझे पता है। खूबसूरत खवातीन के साथ आपका रवैया कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। तीन लफ्जों में आप अपनी बेगम की तारीफ कीजिए। तीन लफ्जों में। तीन लफ्जों में मुश्किल का नहीं, आ जाएंगे। नेक, कोशिश करें। संजीदा, नेक, संजीदा और डिसेंट। नेक, संजीदा और डिसेंट। मोइन के बारे में सब कहते हैं कि ये एक शरीर बच्चे की तरह है, और जो जिन घरों में शरीर बच्चे नहीं होते वहाँ रौनक नहीं होती। ये हमारे यहाँ का एक शरीर बच्चा है जिसे सब बहुत प्यार करते हैं। इस वक्त मुझे एक इनकी अदा बहुत पसंद आई थी, मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगी। मैं बैक स्टेज थी और प्रोग्राम के लिए जब ताजदार ने कहा कि शुरू करें, तो उन्होंने कहा मुझे 2 मिनट चाहिए, तो मैं समझी ये गला साफ करेंगे या कुछ, तो ये जाके कोने में खड़े हुए, इन्होंने हाथ बुलंद किए और बड़े ही खुशी व खुशू से इन्होंने दुआ की। यकीनन ये दुआ कर रहे थे वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, और वो बहुत खूबसूरत अदा थी मोइन की, जो शायद आप लोगों तक नहीं पहुंची थी। मैंने कहा मैं ज़रूर बताऊं कि इतनी मोहब्बत से, इतनी सिंसियरली कोई शख्स अगर प्रोग्राम करता है तो वो क्यों ना कामयाब होगा। हमारी सारी कड़ियाँ जो हैं वो रब जुलजलाल से जाके मिलती हैं, वहीं से उसी के हुक्म से हम आते हैं, उसी के हुक्म से हम जिंदा रहते हैं, उसी के हुक्म से हमें रिस्क मिलता है, उसी के हुक्म से हमें इज्जत और शोहरत मिलती है। बिल्कुल। तो अगर हम सब उसके आगे झुकें बजाय इंसानों से मांगने के, बहुत सही। अगर अपने परवरदिगार से मांगें तो वो आपको पूरी कायनात अता कर सकता है, उसकी ताकत रखता है। बिल्कुल। शुक्रिया। एक बात बताइए, सुना है अब
आप दर्स और तदरीस के शोबे से मुंसलिक हो गई, आपने स्कूल खोल लिया। जी हाँ, दाखला ले लें उसमें। यही सोच रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि छोटे बच्चों लेकिन उसमें तो अच्छे बच्चों को पढ़ाते होंगे, बिगड़े हुए बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। नहीं, शरीर बच्चे भी आते हैं हमारे पास। अच्छा। एक से एक शरीर बच्चा आता है। अल्लाह ताला आप दोनों को इसी तरह खुश और खुर्रम रखे। आपकी आमद का शुक्रिया अदा करते हुए एलजी होम अप्लायंसेस और क्राउन टॉप स्टार टेलीविजन बनाने वालों की जानिब से एक कलर टेलीविजन आपकी नजर किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शुजात अली बेग और खुशबख्श शुजात।